हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो इस वीडियो में हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में देखेंगे, जो कि हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एनसीईआरटी में दिया है ये क्वेश्चन, तो इसके बारे में डिटेल देखते हैं, इसका शॉर्ट नोट देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 18 मई 1848। तो सबसे पहले जर्मनी का जो फर्स्ट एवर फ्रीली इलेक्टेड पार्लियामेंट जो था, वो था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रीली इलेक्टेड मीन्स ऐसा पार्लियामेंट जो सिर्फ वहाँ के पॉपुलेशन, वहाँ के जो लोग थे, उनके द्वारा बनाया गया था। इसमें कोई मोनार्की का रोल नहीं था, तो वो फ्रीली इलेक्टेड पार्लियामेंट था जर्मनी का फर्स्ट। फिर इन जर्मनी मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड आर्टिसन हु फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस केम टुगेदर इन फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मनी नेशनल असेंबली। इसका मतलब ये है कि जर्मनी के जितने भी मिडिल क्लास के ग्रुप्स थे, जिसमें कि कौन कौन आता था, जिसमें आता था बिजनेसमैन आते थे, प्रोफेशनल्स आते थे और आर्टिसंस आते थे, तो ये लोग जो आते थे वो मिडिल क्लास के अंडर आते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम एक मीटिंग करते हैं फ्रैंकफर्ट में। ठीक है, तो वो एक मीटिंग किए फ्रैंकफर्ट में। और क्या किए वो लोग ने डिसाइड किया कि हम एक पार्लियामेंट बनाएंगे, हम एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे, मतलब जो पूरे जर्मन का एक नेशनल असेंबली होगा, ऐसा उन्होंने सोचा, और जो मोनार्की है उसको हटाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, जो असेंबली बनता उसमें कोई इलेक्टेड मेंबर्स भी होते, जैसे कि अभी पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर्स, वैसे ही वहाँ पर भी होते। तो उन्होंने उसके लिए 831 मेंबर्स को इलेक्ट किया रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, और उन्हें फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में उनके प्लेसेस दिए गए। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, वो मार्च किए टू टेक देयर प्लेसेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन अ फेस्टिव प्रोसेशन कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो ये एक फेस्टिव प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, जो जुलूस निकलता है, तो उन्हें पार्लियामेंट में उनका प्लेस देने के लिए एक फेस्टिव प्रोसेशन के टाइप में उनको पार्लियामेंट में ले जाया गया। और पार्लियामेंट जो था वो कहाँ हो रहा था, वो हो रहा था सेंट पॉल चर्च में। फिर क्या हुआ, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, है ना, जर्मन नेशन का, जो पूरे जर्मन में फॉलो होता। और उसमें जो एक चीज़ कहा गया वो मेन था कि हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। डैट मीन्स कि जो मोनार्की होगा वो सिर्फ नाम के लिए होगा, उसका कोई रोल नहीं होगा, उसका कोई रूल नहीं चलेगा, जो मेन रूल चलेगा वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का चलेगा। और मोनार्की जो होगा वो सिर्फ ऐसे ही नाम के लिए एक राजा रखा जाएगा, ये उन लोग का प्लानिंग था। तो जो एक मोनार्क को, जो एक किंग को चुना गया वहाँ का मोनार्की बनने के लिए, वहाँ का राजा बनने के लिए, तो वो चुना गया प्रूशिया के किंग थे जो, उनको, इनका नाम था फ्रेडरिच विलहेम फोर, तो उनको चुना गया एज अ किंग ऑफ जर्मन। तो फिर क्या किया उसने, वो किंग जो था वो डिनाई कर दिया, वो मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हम, मैं मतलब ये जो है यहाँ का किंग नहीं बनूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके हाथ में कोई पावर नहीं होता। तो बाकी राजाओं की तरह वो भी वो रिजेक्ट करके, वो ऑफर को रिजेक्ट करके बाकी मोनार्की जो थे उनके साथ जाके मिल गया और अपोज़ करने लगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को। तो अब जो असेंबली थी उसमें कोई राजा नहीं था, राजा छोड़ के भाग गया और वो अपोजिशन पार्टी के साथ में जुड़ गया। अब बचा क्या, अब बचे वहाँ पर मिडिल क्लास लोग जो बनाए थे अपना असेंबली। तो वो मिडिल क्लास लोग जो बनाए थे, अब उनका जो बेस था, ठीक है, वो इरोड होने लगा। ठीक है, द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड व्हेन द अपोजिशन एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर। मोनार्की और सारे आर्मीज जो थे, मिलिट्री थे, वो एक साइड हो गए थे। तो क्या हुआ कि इनका जो बेस था वो कमज़ोर होने लगा, जो असेंबली का जो बेस था वो कमज़ोर होने लगा। तो ड्यू टू रेजिस्टिंग द डिमांड्स ऑफ पार्टीशन, और क्या हुआ, और दूसरा चीज़ ये हुआ कि मिडिल क्लास लोग जो थे वहाँ के, वो लोग आर्टिसंस और जो लेबरर लोग थे, वर्कर्स लोग थे, उन लोग की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए मना कर दिया उन्होंने, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे। तो वो क्या हुआ कि जो लेबर लोग थे, जो वर्कर लोग थे, वो भी उन लोग का सपोर्ट छोड़ दिया उन्होंने भी, और वो भी चले गए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उनका बेस जो है वो कमज़ोर होने लगा।
तो वहीं लिखा है, ड्यू टू रेजिस्टिंग द डिमांड्स ऑफ आर्टिसन एंड वर्कर्स बाय द डोमिनेंट मिडिल क्लासेस द पार्लियामेंट लॉस्ट देयर सपोर्ट। तो ऐसे ही सपोर्ट लॉस्ट हुआ, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो पार्लियामेंट बना था वही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का इतना जो था वो शॉर्ट नोट था, और इसमें वुमेन का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट है। वुमेन का क्या इसमें रोल था वो भी पूछा जाता है। तो despite of a great contribution of women, they were denied suffrage right during the election of assembly। क्या हुआ कि हालांकि वुमेन जो थे उन्होंने बहुत कुछ किया था ये असेंबली को कराने के लिए, उनका बहुत सपोर्ट रहा था, फिर भी उनको सफरेज राइट नहीं दिया गया। सफरेज राइट का मतलब राइट टू वोट, उन्हें राइट टू वोट नहीं दिया गया, सिर्फ मेंस जो थे वो लोग मिलके ये पार्लियामेंट बनाए थे, ये असेंबली वो लोग मिलके बनाए थे, इसमें वुमेन्स का को कोई भी राइट नहीं दिया गया था। हालांकि उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया था इसको कराने के लिए, उन्होंने मीटिंग कंडक्ट कराया था, उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स बनवाए थे, तो फिर भी उनको कोई राइट नहीं दिया गया। और क्या था, वुमेन्स को पार्लियामेंट में एक लेफ्ट साइड में एक गैलरी में सिर्फ देखने के लिए रखा गया था, उनको कोई राइट नहीं था बोलने का, उनको कोई राइट नहीं था कुछ भी करने का, एक्शन लेने का। तो ये था इसमें वुमेन का रोल। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है नोटिस द वुमेन इन द अपर लेफ्ट गैलरी। तो अपर लेफ्ट गैलरी में यहाँ पर वुमेन को रखा गया था कि वो सिर्फ देख सकते हैं, वो और कुछ कर नहीं सकते। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, और ऊपर गैलरी में वुमेन्स को, वुमेन जो थे उनको प्लेस दी गई थी। ठीक है, तो ये था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।